मेरे साथ छोटा सा स्कैम हो गया गाइस, बट है ना ये जल रहा है बटर पेपर, आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस। मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों मेरे घर पे कोई भी नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी नहीं है, सीरियसली दिखाऊं आपको। ये देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ पे कोई नहीं है। थोड़ी देर में आ जाएंगे, कहीं गए हैं, किसी से मिलने गए हैं, काजल, सानवी और मम्मी। वीना तो खैर ऑफिस जा रखी है। मुझे कहा गया है कि आज मुझे कुछ तो बनाना है, क्या बनाना है मुझे खुद को नहीं पता, बट किस में बनाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये आया है हमारे घर पे एक नया आइटम, जिसे कहते हैं एयर फ्रायर। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, और एयर फ्रायर में बहुत ट्रेंडिंग है आजकल हेल्थ के लिए, जो कॉन्शियस है मेरे जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा फूडी है बट हेल्थ को लेके कॉन्शियस है पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एयर फ्रायर बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मैं क्या करता हूँ, ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाता हूँ, ब्लिंकिट या स्विगी से, और उसके आपको बताता हूँ कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो गाइस ऑर्डर तो मैंने कर दिया है, और जब तक हमारा ऑर्डर घर पे आता है तब तक आई फेल्ट कि लेट्स बी प्रोएक्टिव एंड जो भी एक्स्ट्रा सब्जियां हैं उनको मैं डाइस करके रख देता हूँ, ताकि जैसे ही सामान आएगा मुझे काम करने के लिए ईजी होगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में होगा। सो गाइस एज यू कैन सी हमारे घर पे कुछ किचन हैक्स है जिसकी वजह से काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो ये अनियंस मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर दिया है, तो जो अनियन है जो मैंने काट रखा है, आई जस्ट पुट इट इन द कंटेनर, क्लोज द कंटेनर सेकंड एंड सिंपली पुश, अबे खुल, अच्छा ये तो सॉरी इट्स डन गाइस, लाइफ बिकम सो मच इजियर। छोटे छोटे कट हो गए भाई, ये देखिए घर पे लाके रखी है, बहुत काम की चीज़ है। सो गाइस हमारा अनियन रेडी हो चुका है डाइस होके, अब बारी है शिमला मिर्च की, कुछ शिमला मिर्च भी काट के रख देते हैं। ओह हमारा ऑर्डर भी आ चुका है, थैंक यू। ये है सारे सामान जो मैं स्विगी से मैंने अभी जस्ट ऑर्डर करा है। तो मेरे साथ छोटा सा स्कैम हो गया गाइस। आधा किलो आलू सोचा था मैंने बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाना है एयर फ्रायर पे, मेरे तो बहुत कम है, तो मुझे लगता है घर के आलू यूज़ करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मैंने मंगाया है ब्रिटानिया का चीज़ गार्लिक ब्रेड, और ये मैंने दो पैकेट्स मंगाए हैं, कुछ डाइस चीज़ मंगाया मैंने। तो बेसिकली मैं गार्लिक ब्रेड बनाने वाला हूँ, और ये थोड़ा सा मैंने गार्लिक बटर भी मंगा रखा है, थोड़ा और एक्स्ट्रा गार्लिक के फ्लेवर के लिए। ये मंगाया मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस फॉर गार्लिक बटर एंड ऑरिगानो सीजनिंग, और ये चीज़ देख के मेरी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, तो इसको पहले फ्रिज में डाल देता हूँ। तो गाइस अपने शिमला मिर्च भी डाइस हो चुके हैं, और मैंने क्या करा है पता है, मैंने शिमला मिर्च और प्याज को ना मिक्स कर दिया है, ताकि मुझे अलग अलग ना मेंटेन करना पड़े कि भाई अलग शिमला मिर्च अलग प्याज, ऐसे नहीं, सब मैंने कर दिया है डाइस और एक साथ उसको मिक्स कर दिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि गार्लिक ब्रेड में जाने वाला है ये वैसे भी। तो ये जो गंदगी मैंने फैला रखी पहले इसको साफ कर देते हैं। हर वीडियो में देखने मिलता है कि लोग ऐसे हर चीज़ अपने ऑर्गेनाइज करके रखते हैं फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास एक तो मेरा ट्राईपॉड मुझे पता नहीं किधर चला गया है, दूसरा मेरा फोन है ना बार बार गर्म होकर बंद हो जाता है बिकॉज मेमोरी कम है, और मैं आईफोन 13 से अभी शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम है इसका, ज़्यादा देर तक नहीं शूट कर पाता ये फ़ोन, तो मेरे कुछ लिमिटेशन है। सारी चीज़ें स्क्रैच से कर रहा हूँ मैं, तो आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। मानो या ना मानो मेरे साथ आलू स्कैम तो हुआ है, ठीक है, स्विगी ने मेरे को धोखा दिया है। मैंने सोचा था आधा किलो बना दूंगा मैं, आधा किलो में तीन ही मुझे आलू दिए हैं, तो मैं घर के आलू यूज़ कर रहा हूँ, घर के सारे आलू ख़त्म हो चुके हैं, और मेरी माँ आते ही मेरी बैंड बजाने वाली है, कल मेक श्योर कि मैं और आलू मंगा लूँ, तब तक इनको धो देता हूँ, धो के पील करने पड़ेंगे। एक आलू तो मैंने छील दिया है पीलर से, और खड़े खड़े यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर बारिश हो रही है गाइस, फिर भी मुंबई में बहुत ह्यूमिडिटी है। तो हमारे आलू को दोस्तों मैंने पील कर दिया है, अभी इनको लंबे लंबे काटने पड़ेंगे फ्रेंच फ्राइज वाले शेप में। एक्चुअली मैंने एक और आलू इसमें एक्स्ट्रा था, बट मैंने इसको ना साइड में रख दिया है, मुझे लग रहा है कि शायद ये ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज हम लोग खाने वाले सिर्फ तीन जन हैं, मैं, मम्मी और काजल, और सानवी को भी फ्रेंच फ्राइज पसंद है, वो बेचारी क्या ही खाएगी। मैंने नोटिस करा है कि जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ ना, ये फ्रेंच फ्राइज कम, मतलब कुछ कुछ तो लग रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, बट कुछ कुछ है ना वो पोटैटो वेजीज लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े काट दिए मैंने। और प्रॉब्लम ये है ना कि ये छुरी है ना इतनी शार्प नहीं है कि मतलब पोटैटो को ईजिली कट कर सके, और तो कुछ मुझे ऑप्शन दिखने ना, तो मुझे इससे से काम चलाना पड़ेगा,
बट आई गेस आपको वो फ्रेंच फ्राइज का जो परफेक्ट शेप है वो देखने नहीं मिलेगा। अभी भी इसमें दो आलू बचे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं और कट करूँगा तो बहुत ज़्यादा आलू कट जाएंगे, तो इसीलिए मुझे इन दोनों को भी यहाँ पे साइड में रखना पड़ेगा। तो गाइस आलू को मैंने पानी में सोखने के लिए रख दिया है और आधे घंटे के बाद इसे वापस से देखेंगे। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6:10, तो 6:40 के आसपास मैं आलूओं को निकाल दूंगा और बाकी का प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइस जब तक आलू अपने सोख हो रहे हैं और मेरे ख्याल से 10 मिनट और है आलू को सोख होने के लिए, तब तक मैं सोच रहा हूँ गार्लिक ब्रेड की तैयारी कर लेता हूँ। मैंने गार्लिक बटर ऑलरेडी मंगा के रखा हुआ था, मैंने सिर्फ गार्लिक ब्रेड पे गार्लिक बटर को रगड़ना है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा पास्ता सॉस थोड़ा ऊपर से और हल और ये जो मैंने कैप्सिकम और प्याज जो काट के रखे थे वो डालूंगा और फिर उसके ऊपर चीज़ डालूंगा, तो थोड़ा सा ये पिज्ज़ा वाला टेक्सचर हो जाएगा इसका। तो इट वोंट बी जस्ट अ गार्लिक ब्रेड, पता नहीं इसको क्या बोलूँ, बट खा के अच्छा होगा मुझे लग रहा है। तो क्या इस बटर लग चुका है, फटाफट से ये पिज्ज़ा पास्ता सॉस यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं। मेरी मम्मी को ना स्पाइसी बहुत पसंद है तो मैं इसमें चिलीज भी ऐड कर सकता। ये रेडी हो चुका है तो अब इसमें ये डाइस चीज़ डाल दूंगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट करने रख दिया है 180 डिग्रीज पे, मैं 3 मिनट के लिए इसको प्री हीट करूँगा और कनेक्शन है ना बहुत बहुत ज़्यादा टाइट है और मुझे लग रहा है ना मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे अवन भी आ गया। हमने ना एक्चुअली सोचा था कि यहाँ पे एक छेद करेंगे ताकि यहाँ पे जो कनेक्शन है इजीली हमारे यहाँ पर बैठ जाएगा। गाइस अभी ट्रेजेडी होते होते रह गया, आज मैंने ना गाली खाना है मम्मी का। मैंने क्या सोचा था, वीना ने मुझे कहा था कि इसमें बटर पेपर डालेंगे ना तो क्या था वो ज़्यादा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ना ये जल रहा है बटर पेपर, आप देख सकते हो यहाँ पे। मुझे लगता है मैंने शायद एक्सेस बटर पेपर डाला है, पता नहीं, बट आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो मैं क्या कर रहा हूँ, विदाउट बटर पेपर ही बना रहा हूँ। धोना पड़ेगा, मैं धो दूंगा भाई, पर रिस्क नहीं चाहिए लाइफ में। तो गाइस मुझे लगा था कि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा बेड्स की जाएंगी, मुझे लगा था कि 3-3 बेड चले जाएंगे, बट इसमें 2-2 बेड्स ही जा रहे हैं। तो प्री हीट हो चुका है, फटाफट से अंदर इसको डालते हैं, 3 मिनट के लिए सेकेंगे ब्रेड को, देखते हैं कि किस तरीके से पकता है ये। तो हमारा एयर फ्रायर से दोस्तों बीप बीप आना चालू हो चुका है, तो लेट्स सी, आई होप एंड प्रे कि मेरा ब्रेड अच्छी तरीके से कुक हो गया होगा। आपको शक्ल दिखा देता हूँ। वाओ गाइस दिस इज ऑसम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। और बाकी के बैच ऑलमोस्ट रेडी है तो इनको भी डाल देता हूँ। तो गाइस हमारे एक और बैच यहाँ पे जा चुका है और लास्ट के 2 बेड बाकी है, तब तक के लिए मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ बिकॉज हमारी सब्जी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। एक एक शायद और बन सकता है तो मैं एक और बना देता हूँ, और जो आलू जो सोख करने रखे हुए थे वो काफ़ी देर हो गए हैं तो उनको भी निकाल देता हूँ मैं। तो गाइस आलू का जो आलू मैंने सोख करके रखे थे वो पानी मैंने अलग कर दिया है और आलू का भी मैं इस कपड़े से थोड़ा सा सुखा रहा हूँ ताकि जो इसमें पानी होगा वो निकल जाए, और जैसे ही हमारा लास्ट बैच गार्लिक ब्रेड का हो जाएगा उसके बाद हम अपने फ्रेंच फ्राइज को भी एयर फ्राई कर देंगे। तो गाइस जब तक हमारा गार्लिक ब्रेड का लास्ट बैच बन रहा है और हमारा आलू तब तक सूख रहा है, लेट्स गिव इट अ ट्राई जो मैंने फर्स्ट बैच बनाए थे गार्लिक ब्रेड के, तो एक बार ये टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। आई मस्ट से गाइस दिस इज ग्रेट। तो गाइस गार्लिक ब्रेड का लास्ट बैच बन चुका है, सो आई जस्ट कीप इट असाइड, यहाँ पे रख देता हूँ मैं, और अपने फ्रेंच फ्राइज को यहाँ पे डाल देते हैं और अपने फ्रेंच फ्राइज को पकाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ यह है गाइस कि यहाँ पे ना फ्रेंच फ्राइज के लिए ऑलरेडी फंक्शन है, सो आई जस्ट, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। ओके तो ये 15 मिनट्स बता रहा है, बट आई जस्ट कीप इट फॉर 20 मिनट्स एंड 180 डिग्रीज पे ही है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब तक अपने फ्रेंच फ्राइज पक रहे हैं 20 मिनट्स मैंने टाइम रखा हुआ है, 10 मिनट के बाद मुझे एक बार उसका जो कंटेनर है उसे खोल के हल्का सा टॉस करना पड़ेगा ताकि फ्रेंच फ्राइज जो है ना इवनली कुक हो जाए। उसके बाद वापस से उसको 10 मिनट के लिए और पकाने रख देंगे, तो मुझे लगता है कि फ्रेंच फ्राइज हमारे 20 मिनट में पक जानी चाहिए। तो गाइस अभी भी 13 मिनट बाकी है, अगले 3 मिनट के बाद मैं उसको टॉस कर दूंगा। तब तक ना गाइस मैं थोड़ा सोफे को सेट कर देता हूँ बिकॉज मैं इधर ही सोया था दिन में, और देखो सोफे की जैसी हालत है ना मम्मी आएगी और फिर डांटना स्टार्ट कर देगी। गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है बिकॉज यहाँ पे ना आलू पक नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको 180 डिग्री से ज़्यादा मुझे पकाना पड़ेगा बिकॉज कुछ आलू अभी भी कच्चे हैं। सो उसे 200 पे रखता हूँ मैं 10 मिनट के लिए और। इससे काम हो जाना चाहिए। गाइस मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ, मैंने ना फ्राइज़ में ऑयल नहीं डाले थे।
हाया। थोड़े ऑयल मिलाना पड़ता है ना ताकि वो, मुझे लगता है ना मैं चक्रम हो गया हूँ, चक्रम। तो मैं पहले ऑयल मिक्स कर देता हूँ, एक दो टेबल स्पून थोड़ा ऑयल मिक्स करता हूँ, उसके बाद वापस से करता हूँ 10 मिनट और। तो गाइज मुझे लगता है कि आई हैव स्क्रूड अ बिट हियर, फ्राइज मेरे जल चुके हैं, आप देख सकते हो फ्राइज की शक्ल। और मुझे लगता है मैंने तेल जो मेरे को डालना था वो मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, मुझे एक टेबल स्पून डालना था, मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया घाई घाई में। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे फ्राइज भी जले हुए हैं, कुछ आधे पके हुए हैं, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम वापस से जब बनाऊँगा तब बी केयरफुल। गाइज ऐसा नहीं है कि ख़राब बने, टेस्ट गंदा है ऐसा कुछ नहीं है, बट वो फ्रेंच फ्राइज नहीं लग रहे, समझ रहे हो आप? मतलब यही आलू आप देख लो, ये लग रहा होगा कि पका नहीं है, बड़ी एक्चुअली पका हुआ है, कि पिछले 25 मिनट से पक रहा है ये। टेस्ट अच्छा है, वो बाहर से क्रंची जो एक्चुअली फ्रेंच फ्राइज से होते हैं वैसे बना नहीं है, बट टेस्ट अच्छा है, आई वोंट लाई, बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं फेंक दूंगा या ऐसा वेस्ट होगा या ऐसा कुछ नहीं, खा सकता हूँ मैं। तो भाई जब तक मम्मी और काजल आते हैं तब तक मुझे लगता है थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे बहुत ज़बरदस्त भूख लगी तो मैंने अपने निकाल दिया है। तो गाइस काजल और मम्मी भी घर पे आ चुकी है और सानवी अभी सो रही है। तेरे को पता है काजल, तूने किचन में देखा क्या हुआ है, शक्ल कैसी है? अच्छी है शक्ल, सीरियसली एक बार चेक करियो, किसका शक्ल देखा तूने, शक्ल किसकी देखी पहले? वो तो डेफिनेटली अच्छा बना है, तो और किसकी देखी? उधर देख, अरे ये क्या हो गया? क्या तबाही हो गई, क्या हुआ ये तो अच्छे से बना है, इधर देख। वो क्या हुआ? वो थोड़ा सा मैंने तेल ज्यादा डाल दिया, नहीं पहले तो मैंने 10 मिनट पका रहा हूँ, हाँ, और वो तेल डाला ही नहीं था उस पे। फिर उसके बाद एक्चुअली मेरे को कॉल आ गया, फिर तो उसमें बिजी हो गया मैं, तो उसमें समझ ही नहीं आया मेरे को, थोड़ा ब्रश से ऑयल करना। अरे मैंने वो स्प्रे किया था बिन्नी वाला स्प्रे, अरे वो रिटर्न किया क्योंकि वो लीक हो रहा था। ओह मैं इसका ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रहा, तो मैंने क्या करा था पता है, मैंने वहाँ से सीधा लिया और धप्पा धप तेल डाल दिया, तो वो तेल ना बनना था हेल्दी फ्राइज और बन गया वो अनहेल्दी फ्राइज। यू ट्राइड, बट कैसा बना, टेस्ट कैसा है? पका तो है ऑब्वियसली, 25 मिनट से पका रहा तो पकेगा ही, 25 मिनट से पका रहा हूँ, टेस्ट कैसा है? अच्छा ट्राई ये कर, ये ट्राई कर जल्दी से, ये गार्लिक ब्रेड मेरे स्टाइल में, लेट्स चेक आउट माय मॉम्स रिएक्शन गाइस। कैसा है माँ? Delicious. बहुत सही है, मैं ट्राई करूंगी, बैठ के रहा। कैसा है? Yummy, yummy. सीरियसली बहुत टेस्टी बना, ऑब्वियसली मेरे को सीरियसली ये बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया था इसको, मैंने सिंपल गार्लिक ब्रेड नहीं बनाया, मैंने इसको बहुत ज़्यादा टॉपिंग्स भी दिए, शिमला मिर्च, अनियन, चीज, पिज्ज़ा सॉस, गार्लिक बटर, अच्छा मेरे को पता था हरी मिर्च तेको चाहिए थी, मैं वही वीडियो में भी बोल रहा था कि मेरी मम्मी को हरी मिर्च पसंद है, पर मैंने कहा मैं जब तक तैयारी इतना कर दिया था ना वापस से, फिर वो पीछे जाना मेरे को लग नहीं रहा था कि नेक्स्ट टाइम पक्का डालूंगा हरी मिर्च, बहुत अच्छा ना टेस्ट अच्छा बना ना। काजल का रिएक्शन देखते हैं, कैसा काजल, गार्लिक ब्रेड अच्छा है? प्राइस प्राइस कैसा है? कच्चा नहीं है, अरे मेरे को तरीका ही नहीं पता किस तरीके से बनाना, खाना मैं सब बच्चा तेरे लिए ही है, मैंने खा लिया 3, खा पापा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटिंग भी लग चुकी है, और परसों ही यानी कि सैटरडे को ही गणेश चतुर्थी है, तो यहाँ पे एंट्रेंस की ये डेकोरेशन है, और आपको अंदर मंडप का डेकोरेशन भी बता देता हूँ। यहाँ क्लब हाउस में हम लोग हमेशा स्थापित करते हैं गणेश जी की मूर्ति को। क्या हाँ मैं खोलता हूँ, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तुम लोग दान पेटी बना रहे हो, और ये है मंडप जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से गणपति की तैयारी चल रही है, और अभी तक तो मेरे ख्याल से 85% काम हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है जो मेरे ख्याल से कल तक हो जाएगा, और उसके बाद आई एम श्योर जो मंडप होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से सजने वाला है। एंड गणेश जी की मूर्ति हमेशा हर साल आउटस्टैंडिंग होती है, हमारे सोसाइटी की बड़ी सुंदर मूर्ति होती है, तो आपको आने वाले वीडियो में गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलता हूँ अपने अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए सी या।